हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। अब तक हमने उसमें क्या पढ़ा कि जो द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो एक ही पद में पूर्ण होती है, है ना, अध्रुवीय माध्यम में पूर्ण होती है, ठीक है। उसकी कोटि दो होती है, अर्थात वो दो अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है। देखिए, इन चीज़ों को याद रखिए। एस एंड टू क्रिया यानी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब इसकी कोटि कितनी होती है? दो। कितने पदों में पूर्ण होती है क्रिया? एक पद में। मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है? मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता बेटा? संक्रमण अवस्था। याद करो इन चीज़ों को, संक्रमण अवस्था बनती है, ठीक है। कैसे माध्यम में पूर्ण होती है? माध्यम कैसा होगा इस क्रिया के लिए, कैसा होना चाहिए? अध्रुवीय माध्यम में, ठीक है, अध्रुवीय माध्यम में क्रिया होती है। अब देखिए, कुछ एग्जांपल हमने किए थे। एक तो मेथिल क्लोराइड का लिया था और एक एथिल क्लोराइड का हमने एग्जाम्पल लिया था कि CH3Cl और OH माइनस, और दूसरी क्रिया हमने करवाई थी CH3CH2Cl प्लस OH माइनस, ठीक है। इनमें उत्पाद क्या बनता है आपको पता है कि क्लोरीन यहाँ से हटेगा और OH यहाँ पर आएगा, तो अल्कोहल यहाँ से बनता है। आज देखिए, हम इसके बाद में अगला एग्जाम्पल लेते हैं 2° RX का। देखिए, 2° RX लेने पर कैसी क्रिया होती है? CH3CH3HOCl। देखिए, 2° RX की क्या पहचान है कि हैलोजन यानी हैलाइड आयन जो है वो 2° कार्बन से जुड़ा होगा। तो बेटे जी, आप जरा सोचिए कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितना डिग्री है? 2° है ना, तो 2° RX हो गया। और इसकी क्रिया उसी प्रकार करवाएं जैसे हमने पिछली दो क्रियाएं करवाई थी पिछली क्लास में। तो देखिए, OH माइनस, अब इस क्रिया में भी Cl हटेगा और OH आएगा, तो उत्पाद तो बनेगा CH3CH CH3OH और Cl माइनस यहाँ से निष्कासित हो जाएगा। और इस प्रकार ये जो क्रिया है ये भी SN2, अगर मैकेनिज्म इसकी हम बताएं तो कैसे बताएंगे? देखो, CH3CH CH3 आइसोप्रोपिल क्लोराइड है बेटा ये, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सोचिए जरा। देखो, ये CH3, ये रहा ये CH3, देखो ये रहा C, बीच वाला देखो ये कार्बन, और ये हाइड्रोजन देखो ये रहा, और क्लोरीन देखो ये रहा। अब आपको मालूम है कि SN2 क्रिया में जो आक्रमण करने वाली स्पीसीज है नाभिक स्नेही, वो पीछे से आक्रमण करेगा, क्यों? सामने से तो औकात नहीं है। कहने का मतलब, जो क्लोराइड है, जो क्लोरीन पहले से जुड़ा हुआ जो भी हैलोजन होगा वो उसके साथ में प्रतिकर्षण करेगा, इस वजह से प्रभावी टक्कर नहीं हो पाएगी। और यहाँ जब इसका आक्रमण होगा माइनस, तो अब देखिए इसमें दो ऐसे समूह आ गए हैं जो बड़े हैं, जो बड़े स्थूल समूह हैं वो इसके इस SN2 आक्रमण में बाधा बनेंगे। तो ज़रा सोचिए, अगर गाड़ी चल रही है सड़क पे और वहाँ पे कोई ब्रेकर नहीं है तो गाड़ी स्पीड से दौड़ेगी, लेकिन अगर ब्रेकर आ गए और वो भी एक की बजाय दो ब्रेकर आ गए तो गाड़ी की स्पीड तो कम होगी ना। बस यही चीज़ आपको सीखनी है, याद रखनी है कि जब ये आक्रमण हो रहा है तो उस आक्रमण के जो मार्ग में जितनी बाधाएं पैदा करने वाले समूह उपस्थित होंगे, त्रिविम बाधा इसको हम बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस या इनहेरिटेंस, तो ये जो त्रिविम बाधा पैदा होगी उससे इसका आक्रमण मंद पड़ेगा। मंद पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिया नहीं होगी, क्रिया होगी, लेकिन पहले जो हमने पिछली क्लास में जो क्रियाएँ करवाई उनसे कम वेग से होगी, ठीक है। तो क्रिया में हम लिखेंगे क्या कि OH, आपको पता है मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था बनती है, तो संक्रमण अवस्था आपको बनानी है।
कैसे बनाएंगे कि ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बंध बनने लगता है, बनता नहीं है, बनने लगता है। तो जिस समय ये अट्रैक्शन शुरू होता है, पहले वाला मतलब पुराना रिश्ता टूटने लगता है, यानी नया रिश्ता बनेगा तब जब पुराना रिश्ता टूटेगा। तो देखो यहाँ मैं ये डॉटेड लाइन से इसको बता रहा हूँ, ये कार्बन, अब देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, ये इसके तीन हाइड्रोजन, इसका डायरेक्ट एक हाइड्रोजन और इसके तीन हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये हो गई बेटा संक्रमण अवस्था। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्या होता है, ये तो अस्थायी अवस्था है कि यहां से क्लोरीन निकलेगा, आप इसकी जगह ब्रोमीन, आयोडीन को दूसरा हैलोजन भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि हम हर एग्जांपल में क्लोरीन लें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आगे क्या होगा इसमें कि जब क्लोरीन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, है ना, ये अत्यधिक अस्थायी अवस्था है, हाई एनर्जी वाली अवस्था है, और जो भी स्पीसीज जितनी ज़्यादा ऊर्जा वाली होती है वो उतनी अधिक अस्थायी होती है, जितनी ज़्यादा ऊर्जा वाली होती है उतनी अधिक अस्थायी होती है। तो बेटे जी ये अस्थायी है, उच्च ऊर्जा वाली अवस्था है। अब जैसे ही क्लोरीन यहाँ से हटेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है, कहते हैं ना, परमानेंट हो गया, अब ये पूर्ण रूप से यहाँ बंद बन जाएगा, कंप्लीट बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और ये CH3, ये H और ये CH3, और इस प्रकार से फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, और ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ कंप्लीट होती है। एक चीज़ अगर आपने ध्यान दी हो, गौर की हो, तो देखो ये वो है कि जैसे ही हम उत्पाद बनाते हैं तो ये पहले वाले जो समूह होते हैं ना, ये CH3 और CH3, देखिए ये मेरी तरफ है, है ना, इनका जो त्रिविम विन्यास है उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए ये मेरी तरफ है, जैसे बारिश होती है तो उससे बचने के लिए अपन छाता लेके चलते हैं, तो उसकी जो तिल्लियां होती है छाते की वो नीचे की ओर होती हैं, तो वैसे देखिए इसकी ये जो बॉन्ड है ये मेरी ओर है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बना, जैसे ही उत्पाद बना, तो उन तिल्लियों की दिशा देखिए आप, वो तिल्लियां वो पलट गई हैं। मतलब कभी हमारे साथ ऐसा हुआ होगा कि बारिश से बचने के लिए छाता लेके जा रहे हैं और तेज हवा का झोंका आया और वो छाता पलट गया, है ना, उसकी तिल्लियां ऊपर हो गई। सेम कहानी ये यहां पर है कि आप लोग ये CH3 वाले जो ग्रुप है या हाइड्रोजन है, ये वाले ग्रुप पलट गए हैं। इस घटना को प्रतिलोमन बोलते हैं, विन्यास का प्रतिलोमन, ठीक है। तो यहां उत्पाद अणु का त्रिविम विन्यास अभिकारक अणु के त्रिविम विन्यास का जस्ट अपोजिट है, इसलिए ये वाल्डेन प्रतिपन भी बोला जाता है और प्रतिलोमन भी। तो प्रतिलोमन क्या है या वाल्डेन प्रतिपन क्या है, तो इसको आप कैसे समझाएंगे कि जब अभिकारक अणु का विन्यास और उत्पाद अणु का विन्यास एक दूसरे के विपरीत होते हैं, है ना, तो वो प्रतिलोमन कहलाता है। तो SN2 क्रिया में विन्यास का प्रतिलोमन होता है, जैसे उत्पाद बनता है तो उसका विन्यास अभिकारक अणु से उल्टा होता है। अब बेटे जी हमसे कोई सवाल पूछ ले कि CH3Cl CH3CH2Cl CH3CH3Cl और चौथा है CH3CH3CH3Cl, इन चारों में SN2 क्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, यानी SN2 की आपको क्या बतानी है क्रियाशीलता, कौन सा आरक्स है वो SN2 सबसे फास्ट करेगा और कौन सा आरक्स है वो SN2 स्लो करेगा। तो आपने अगर दोनों क्लासें ढंग से देखी हैं, सुनी हैं, तो आप बता सकते हो इजीली कि जिस आरक्स में त्रिविम बाधा कम होगी वो आसानी से क्रिया करेगा और फास्ट करेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ देखो इसमें देखें तो इसमें त्रिविम बाधा मेथिल समूह की उपस्थिति से बढ़ गई है, इसमें एक नहीं बल्कि दो मेथिल समूह आ गए हैं और इसमें तो पूछो ही मत कितने आ गए हैं, तीन। तो इस प्रकार जो SN2 क्रिया की क्रियाशीलता का क्रम अगर आप इनमें बताएंगे तो सबसे फास्ट क्रिया कौन करेगा, फर्स्ट वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड और सबसे स्लो
फोर्थ। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न यहाँ बता सकते हो, इनका आंसर बता सकते हो कि क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, और SN2 क्रिया जो हमने अभी जो नाभिक ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी उसका एक पक्ष पढ़ा है, दूसरा जो होगा वो होगा SN1 यानी एकाणुक नाभिक ने ही प्रतिस्थापन। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम उसके बारे में। ओके बेटा, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।